हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फ्रॉम नॉलेज। इस वीडियो में मैं आप लोग का अभी रिसेंटली मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जो आप लोग का एग्जाम लिया 9 PM में, तो उसका मैं सोल्यूशन अपलोड कर रहा हूँ। एंड सोल्यूशन में क्या है, आप लोग का ओनली इस एग्जाम में मैंने सिर्फ जियोग्राफी का, फिजिकल जियोग्राफी का ही ओनली क्वेश्चन लिया है, ना ड्रेनेज सिस्टम लिया, ना क्लाइमेट लिया है, कुछ नहीं लिया है, ओनली फिजिकल जियोग्राफी लिया है, वो भी इंडियन जियोग्राफी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें जितना भी आपके 50 क्वेश्चन है, 30 मिनट्स दिया था, उसका सोल्यूशन अपलोड कर रहा हूँ, तो उसका ही सोल्यूशन, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा। सतपुरा का सबसे हाईएस्ट पीक आप लोग का धूपगढ़ है। ऐसे आपका हम लोग का जितने भी पेनन्सुला है, हिल्स है, उनके हाईएस्ट पीक आप लोग को जान के रखना इंपॉर्टेंट है। जैसे अरावली का आपका घुड़ू शिखर है, देन ईस्टर्न घाट का आपका महेंद्रगिरी है, एंड वेस्टर्न घाट का नाईमुड़ी है। ऐसे करके आप लोग को सब जान के रखना पड़ेगा। इसका करेक्ट आंसर है धूपगढ़। नेक्स्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस डज नॉट पास थ्रू द दिस स्टेट। कौन से स्टेट में से आप लोग का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता? मित्र पर गमजा झाड़, इसका वो है ट्रिक है, तो क्या करेक्ट आंसर है ओडिशा। ओडिशा से पास नहीं होता। नेक्स्ट है द लैंड फ्रंटियर ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर्स द लार्जेस्ट बाउंड्री लेंथ विद इंडिया। इंडिया का जो पूरा बाउंड्री है आप लोग का 15,200 किलोमीटर है। हम लोग का सबसे ज़्यादा शेयर कौन करता है, कौन सा नेबरिंग कंट्री करता है, ये बांग्लादेश करता है, तो 4,096 किलोमीटर है। देन नेक्स्ट है आप लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास फॉर्म्स द ट्राई जंक्शन। मतलब इंडिया, चाइना एंड म्यांमार दोनों, तीनों को एक ही पॉइंट में वो ज्वाइन करता है, ये दीफूला है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दीफू। देन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज फ्रॉम ए डिवाइडिंग लाइन बिटवीन गंगा प्लेन एंड द डेक्कन प्लेटू। गंगा प्लेन एंड डेक्कन प्लेटू में एक बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है, डिवाइड करता है, वो विंध्याचल रेंज जिसे बोलते हैं, उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विंध्याचल। देन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट और यूनियन टेरेटरी हैज़ द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मैनग्रूव। मैनग्रूव हम लोग का सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में है। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्रेड फ्रॉम सासाराम एंड रोहतांग इन वेस्ट बिहार टू चित्तौड़गढ़ इन राजस्थान। बिहार से लेकर राजस्थान तक हम लोग का विंध्याचल रेंज है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आप लोग का 8th, जरावास एंड सेंटिनल ट्राइब आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। फ्रेंड्स ये मैंने थोड़ा सा आप लोग का एक्स्ट्रा दिया, क्योंकि क्या है, आप लोग का जो अंडमान निकोबार में अभी एक इंसान को मार दिया, तो वही आप लोग का सेंटिनल ट्राइब्स में ने मारा था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, सेंटिनल। ये करंट अफेयर्स में आ सकता है आप लोग का। नेक्स्ट है 9th, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ब्रह्मपुत्र टेक अ यू टर्न एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इंडिया। ये नामचा बारवा जो आप लोग अरुणाचल प्रदेश के वहाँ पे है, उस हिल से आप लोग का यू टर्न लेता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, नामचा बारवा। नेक्स्ट है 10th, एरिया वाइज विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा कौन सा है, हम लोग हिमालय सोचेंगे, हिमालय नहीं है फ्रेंड्स, ये डेक्कन प्लेटू सबसे बड़ा है फिजियोग्राफिक, तो नेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, डेक्कन प्लेटू। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया शेयर्स इज बाउंड्री विद भूटान। भूटान के साथ कौन कौन से स्टेट हम लोग का शेयर करते हैं, आप लोग का वेस्ट बंगाल करता है, सिक्किम करता है, आसाम करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 4। देन नेक्स्ट है 12th, गारो हिल्स इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। गारो खासी जयंती हम लोग पढ़ते हैं जो, तो ये आप लोग का मेघालय में है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मेघालय। देन रामा ब्रिज और राम सेतु इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। किस में है, ये पार्क स्टेट में है, जो आप लोग का तमिलनाडु एंड श्रीनगर को जो जोड़ता है, वही इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पार्क स्ट्रेट। नेक्स्ट है आप लोग का 14th, मजुली द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट। ये आप लोग का आसाम में है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, आसाम। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज यारलोंग सांगपो इन तिब्बत। सांगपो किसको बोलते हैं हम लोग तिब्बत में, ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट है आप लोग का, ब्रह्मपुत्र कई बहुत जगह अलग अलग नाम है हम लोग के इंडिया में भी, ये जब अरुणाचल प्रदेश में घुसता है इसका दिहांग दिवांग नाम है, एंड जब असम में जाता है तभी इसका नाम ब्रह्मपुत्र जस्ट पड़ता है, उसके बाद आप लोग का मेघना, देन उसके बाद आप लोग का जमुना नाम पड़ता है ये बांग्लादेश में, यही है इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप लोग का सांगपो ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं। देन नेक्स्ट है, द ओरिजिन ऑफ हिमालयस कैन बेस्ट बी एक्सप्लेन बाय। ये किससे पता लगता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, मतलब आप लोग का जो पहले अंकारा लैंड एंड गोंडवा लैंड था, वो कैसे करके हुआ था, हम लोग का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से हम लोग का ये हिमालयस बने थे। नेक्स्ट है आप लोग का 17 क्वेश्चन में बोल रहे हैं, लोकटक लेक इज सिचुएटेड इन, लोकटक कहाँ पे, ये हम लोग का मणिपुर में, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। देन बरखान्स आर, बरखान मतलब ये क्या होता है, हम लोग का जो सैंड ड्यून नहीं दिखते, मतलब क्रिसेंट्स, मतलब इसका मतलब कर्व्ड बोलते हैं,
एंड क्रिश्चन सेप सैंड ड्यून, मतलब आप लोग किले दिखते हैं पहाड़ की तरह, टीले दिखते हैं तो उसको ही बोलते हैं हम लोग बरखांस बोलते हैं वहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बरखान। नेक्स्ट है 19, नेम द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर विच डिस्चार्ज देयर वाटर इन टू अरेबियन सी। ये कहाँ पे, नर्मदा एंड ताप्ती सबसे इंपॉर्टेंट है जो अरेबियन सी में पड़ते हैं, और बाद बाकी सब आप लोग बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पूछा है। नेक्स्ट है आप लोग का 20, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक क्या है। यहाँ पे अन्नामलाई एंड अनाईमुडी में कन्फ्यूजन खाओगे बहुत लोग, तो क्या है यहाँ पे, अन्नामलाई इज ए रेंज नॉट ए पीक, ठीक है। तो अन्नामलाई रेंज में ही आप लोग का सबसे ऊंचा है, अनामुडी है, तो इसका करेक्ट आंसर है अनाईमुडी। एंड इवन आप लोग का जो वेस्टर्न घाट हम लोग पढ़ते हैं, वेस्टर्न घाट का ही हम लोग का हाइस्ट पीक है अनाईमुडी, ठीक है। तो नेक्स्ट है आप जोजिला पास कहाँ किसको कनेक्ट करता है, लद्दाख एंड श्रीनगर को कनेक्ट करता है, ये JNK में है। नेक्स्ट है 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट आप लोग का कंटिन्यूस चलता है, बट ईस्टर्न घाट आप लोग का थोड़ा सा चला फिर उसका रुक जाता है, फिर थोड़ा सा चला फिर रुक जाता है, थोड़ा चला मतलब ये नहीं कि वो हिलते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, कंटिन्यूसली वो एक फॉर्म में रहता है, मतलब पहाड़ है तो पूरा ही पहाड़ है ऐसे करके, बट ईस्टर्न घाट आप लोग का कंटिन्यूस नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कंटिन्यू टी। देन नेक्स्ट है आप लोग का 23, द न्यू एल्यूवियल डिपॉजिट फाउंड इन द गंगेटिक प्लेन आर नोन एज, ये खादर जिसे बोलते हैं न्यू एल्यूवियम को, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी खादर। बाई 24, द फेमस लैगून लेक ऑफ इंडिया इज चिल्का लेक जो ओडिशा में है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। विच पार्ट ऑफ द हिमालय हैज़ द मैक्सिमम स्ट्रेच फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट में हिमालय का सबसे ज़्यादा स्ट्रेच कहाँ पे है हम लोग का। फ्रेंड्स अगर हम लोग हाइट वाइज देखें तो ये हिमालय आप लोग का तीन हिस्सा में डिवाइड है, जिसे हम लोग ये शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक बोलते हैं, बट हम लोग रीजनल वाइज अगर देखेंगे तो चार हिस्सों में डिवाइड है, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय, असम हिमालय एंड कुमायून हिमालय। तो इसमें सबसे बड़ा रेंज आपको नेपाल हिमालयस का है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन एक नेपाल हिमालयस। देन नेक्स्ट आप लोग को 26 क्वेश्चन पूछा है, विच रिवर बॉन्ड्स बुंदेलखंड अपलैंड इन द नॉर्थ, ये कौन करता है, या यमुना रिवर करता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पासेज थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री, ए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूरा कंट्री को एकदम मिडिल से काटता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है। तो नेक्स्ट है आप लोगों का 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोल्डेस्ट प्लेस, द्रास जो जम्मू एंड कश्मीर में है वो सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट है। नेक्स्ट 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज ब्रॉडली एज लार्ज एज यूरोपियन नेशन ऑस्ट्रिया, ये मैंने क्यों दिया फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग का ये WBCS में बहुत बार पूछ लिया गया है। तो ऑस्ट्रिया किसकी तरह दिखता है, हम लोग का वेस्ट बंगाल की तरह ही एकदम, अगर एरिया वाइज देखें तो हम दोनों इक्वल है। नेक्स्ट है आप लोग का 30, डंकन पैसेज इज लोकेटेड इन, डंकन पैसेज आप लोग का साउथ अंदमान एंड लिटी अंदमान को काटता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए साउथ अंदमान एंड लिटी अंदमान। द नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरी डज नॉट हैव ए बॉर्डर विद मिजोरम, हम लोग का इंडियन स्टेट में ये हम जो सेवन सिस्टर्स है, सेवन सिस्टर्स में बहुत लोग कन्फ्यूजन खाते हैं कौन सा कहाँ पे, तो इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, इवन इसका जो कैपिटल्स है वो सब भी याद कर लीजिए, क्योंकि आप लोग नॉर्मल मिजोरम से कौन ज्वाइन नहीं रहता, ये आप लोग का नागालैंड ज्वाइन नहीं रहता जिसका एक कैपिटल है कोहिमा। देन नेक्स्ट है आप लोग का 32, नागा खासी एंड गारो हिल्स आर लोकेटेड इन, पूर्वांचल रेंज में है ये आपका कहाँ है, मेघालय के साइड में है। देन नेक्स्ट है 33, फरक्का बैरेज वॉज कमीशन, फरक्का बैरेज किस लिए बनाया गया था, हम लोग कोलकाता पोर्ट को बचाने के लिए बनाया गया था, ये सूख जा रहा था कोलकाता पोर्ट, तो इसमें जल प्रवाह को फ्लो कराने के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए सेव कोलकाता पोर्ट, नेविगेशन को चालू कराने के लिए। देन नेक्स्ट है आप लोग का 34, द अंडमान ग्रुप एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड आर सेपरेटेड विद ईच अदर, अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल से सेपरेट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल। देन 35, ये फ्रेंड्स ये चैनल्स आप लोग को याद करके रखना पड़ेगा, 10 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री एंड डंकन पैसेज, ये चार सेक्शन जो है आप लोग का चैनल्स आप लोग का अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा कौन सा कहाँ पे है, क्या काम है इसका। देन नेक्स्ट 35, जवाहर टनल द लार्जेस्ट इन इंडिया इज लोकेटेड इन, जवाहर टनल आपका एक रोड टनल है जो नेशनल हाईवे 44 में है, तो इसका ये कहाँ पे है आप लोग का, जम्मू एंड कश्मीर में है, इसको ही हम लोग बनिहाल पास भी बोलते हैं, तो नेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 36, विच इज़ द स्मॉलेस्ट इन एरिया ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरेटरीज, यूनियन टेरेटरी में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है हम लोग का,
लक्षद्वीप सबसे स्मॉलेस्ट है, हम लोग दमन एंड दीव सोचेंगे नहीं फ्रेंड्स ये थोड़ा सा बड़ा है, सबसे छोटा आप लोग का लक्षद्वीप है। देन नेक्स्ट 37, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज ऑरिजिनली ए पार्ट ऑफ, ये गोंडवानलैंड का पार्ट था, इसके पहले भी मैंने आपको अभी जो बताया, तो पहले हम लोग का पूरा वर्ल्ड एक पेंजिया था, पेंजिया बोल नाम बोलते थे, अर्थ नाम नहीं था, पेंजिया नाम था, फिर वो पेंजिया आपको क्या हुआ था, डिवाइड हो गया था गोंडवानलैंड एंड अंकारालैंड में, तो वही आप लोग का इंडिया हम लोग का कौन से सब कॉन्टिनेंट में था, ये गोंडवाना लैंड में था, हम लोग नीचे थे, फिर उसको ही हम लोग का प्लेट टेक्टोनिक थ्री हुआ, उसके बाद हम लोग ऊपर में सब जॉइंट हो गए थे। देन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट है 38 फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग का कन्फ्यूजन आ रहा है, मैंने एक वीडियो बनाया है इंडियन फिजियोग्राफी के ऊपर, पूरा अच्छी तरह से बनाया, आप लोग वो वाला वीडियो एक बार देख लीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और इस वीडियो के लास्ट में एक पॉपअप भी आएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, तो उसके बाद आप लोग का पूरा ए टू जेड क्लियर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है आप लोग का नथुला, ए प्लेस वेयर इंडिया चाइना बॉर्डर स्ट्रेट हैज़ बीन रिज्यूम्ड आफ्टर 44 ईयर्स इज लोकेटेड इन इंडिया, ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सिक्किम। देन नेक्स्ट है 39 पिलग्रिमेज ऑफ कैलाश मानसरोवर हैव टू पास थ्रू विच ऑफ द विच पास टू एंटर इन टू तिब्बत, हम लोग को कैलाश मानसरोवर में जाना पड़ता है, कहाँ से हम लोग जा सकते हैं, ये नथुला पास से जा सकते हैं, पहले लिपू लेक से जाते थे, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होता, बट क्या है आप लोग का रिसेंटली आप लोग को 2015 में नथुला एकदम शॉर्टेस्ट पाथ इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग नथुला लिखोगे, लिपुला नहीं लिखोगे, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नथुला। नेक्स्ट है 40, वेस्ट बंगाल सीज बाउंड्री इन विद हाउ मेनी कंट्रीज, कितने नेबरिंग कंट्रीज, स्टेट नहीं पूछा है फ्रेंड्स, कंट्री पूछा है, तो कितने कंट्रीज से हम लोग का वेस्ट बंगाल करता है बाउंड्री शेयर, तीन कंट्रीज से करता है, एक नेपाल, एक भूटान और एक बांग्लादेश से करता है, यहाँ पे आप लोग का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 3। देन नेक्स्ट है 41 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया, वेटेस्ट प्लेस आप लोग चेरापूंजी मार के आओगे वो गलत होगा फ्रेंड्स, एकदम एक्यूरेट गलत होगा, चेरापूंजी कभी भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मानसिंह राव। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे चेरापूंजी किस लिए नहीं होगा, अगर आप लोगों का कभी भी कोई भी डिस्प्यूट आता है तो आप लोग माजिद हुसैन या आप लोग विकिपीडिया या कोई भी आप लोग का ये छाया प्रकाशनी कोई भी बुक आप उठा के अगर पढ़ोगे तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन सही एकदम होगा, कोई नहीं बता सकता, बट आप अगर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, तो एनसीईआरटी में आप लोग का पूरा अच्छी तरह से दिया हुआ है, मानसिंह राव बड़े बड़े लेटर्स में लिखा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मानसिंह राव, चेरापूंजी कभी नहीं होगा। देन नेक्स्ट है आप लोग का हाँ यहाँ पे क्या है आप लोग का मानसिंह राव अगर नहीं दिया रहता ऑप्शन में तब हम लोग चेरापूंजी लिखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर अभी मानसिंह राव ही है। देन नेक्स्ट 42 इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया इज़ द डैश लार्जेस्ट कंट्री, कितना नंबर में है इंडिया, इंडिया 7th नंबर में है, हम लोग का इंडिया अगर हम लोग एरिया वाइज देखें तो 7th नंबर में है, बट पॉपुलेशन वाइज देखें तो इंडिया दूसरे नंबर में है, फिर कनाडा है, फिर यूएसए है, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद आप लोग का इंडिया में आता है, तो 7th नंबर में है इंडिया। देन बालतोरा ग्लेशियर इज़ लोकेटेड, बालतोरा ग्लेशियर आप लोग का काराकोरम रेंज में है। देन नेक्स्ट 44 विच ऑफ द इंडियन स्टेट आर बॉर्डरिंग विद बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ कौन सा स्टेट जॉइंट है, आप लोग का वेस्ट बंगाल है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है एंड आसाम है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट है 45 जियोग्राफिकली विच इज़ द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे पुराना हिस्सा कौन सा है आप लोग का, डेकन प्लेटू जो हम लोग बोलते हैं नीचे साउथ में उसको, वही सबसे पुराना हिस्सा है इंडिया का। देन नेक्स्ट है विच स्टेट इज़ नोन एज ग्रीनरी ऑफ इंडिया, ग्रेनरी ऑफ इंडिया ऑफकोर्स पंजाब को ही बोलते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा खाना हम लोग का वीट राइस ये सब कुछ यहीं से आता है, पंजाब से ही आता है। देन नेक्स्ट 47 रिवर दामोदर इज कॉल सॉरो ऑफ बंगाल बिकॉज इट, ये किस लिए बोला जाता है क्योंकि इससे ही हम लोग का सबसे ज़्यादा फ्लड आता है, रिवर दामोदर जब बारिश हो जाता है तो बारिश के कारण सबसे ज़्यादा फ्लड यहीं से आता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आप लोग का। 48 इंडिया हैज़ ए कोस्ट लाइन ऑफ, इंडिया का कोस्ट लाइन कितना किलोमीटर का है, 7500 किलोमीटर्स का है। इंडिया 49 इंडिया लाई इन द कौन से हेमिस्फीयर में, इंडिया नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नलमाला हिल्स आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, ये कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं तक ही था। अगर आप लोग को मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर मैंने कुछ भी अगर गलत इन्फॉर्मेशन दिया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ये अगर आप लोग को PDF अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी एग्ज़ाम देने के लिए बोलिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग को हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन होना है तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ये फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगता एंड मॉक टेस्ट भी फ्री होता है, कोई चार्ज नहीं लगता। तो इसका अगर व्हाट्सएप नंबर हम लोग का दिया हुआ है 9609714558। तो चलिए फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं तक ही था। दैट्स ऑल फ्रेंड्स एंड कीप लर्निंग।